हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। बच्चों, मैं हूं प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर, आपका बायो मेंटर। आज बच्चों हम आपका स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बच्चों केमिस्ट्री। क्लास 10th की बच्चों केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें फिर से आपका पहला क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया है और समीकरण है। दूसरा क्या है, अम्लक्षार लवण है। और तीसरा बच्चों धातु अधातु है। और चौथा क्या है बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक हैं। और पांचवा क्या है बच्चों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। ये 5 चैप्टर आपको किसमें पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। और आज हम आपका स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होती है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया हमने पिछले लेक्चर में बच्चों देख चुका है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आज बच्चों हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद से हम आपकी हेडिंग स्टार्ट करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या है। जैसे बच्चों आपका ये क्या है, कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बच्चों क्या बनाता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये क्या होता है, गैस होता है। तो बच्चों आप खुद बताइए कि इसमें किसके और किसके बीच अभिक्रिया हुई है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुई है। किसके किसके बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो बच्चों जिसके बीच अभिक्रिया हो उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक। और जो पदार्थ बनकर हमें मिलता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, आपका उत्पाद कहते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, जिनके बीच अभिक्रिया हो उसे कहते हैं अभिकारक। और जो उत्पाद हमें मिलता है बच्चों, उसे हम कहते हैं, जो पदार्थ हमें मिलता है उसको कहते हैं उत्पाद। और जिसके प्रजंस में अभिक्रिया हो जाए, जिस पदार्थ की प्रजंस में उपस्थिति में अभिक्रिया हो उसको कहते हैं उत्प्रेरक। और बच्चों जिसकी उपस्थिति में हो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेरक। तो हम यहाँ पर 3 चीज़ें देख रहे हैं बच्चों। पहला क्या है आपका, अभिकारक। क्या बच्चों, अभिकारक। तो अभिकारक क्या बच्चों, वे पदार्थ जिनके बीच अभिक्रिया होती है, वे पदार्थ जिनके बीच अभिक्रिया होती है उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। और अगला क्या है बच्चों, उत्पाद। उत्पाद क्या बच्चों, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद मिलता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और उत्प्रेरक क्या बच्चों, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्या बच्चों, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या बच्चों, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेरक कहते हैं।
अगर बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो इसका बच्चों आप क्या ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका आते हैं सेकेंड हेडिंग जो है रासायनिक समीकरण। अब बच्चों बताइए, जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको लिखने के लिए हम किसी न किसी माध्यम से लिखेंगे, किसी न किसी विधि से हम लिखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए जिस समीकरण का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो बच्चों रासायनिक समीकरण क्या है, वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है, लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि बच्चों हमने आपसे कहा कार्बन, तो कार्बन को बच्चों दो तरीके से लिख सकते हैं आप, एक तो आपने लिख दिया कार्बन और एक तो लिख दिया आपने सी, तो दोनों ये बच्चों इसका क्या सिंबल है और ये क्या बच्चों इसका शब्द है। तो ये इसका क्या सिंबल मतलब प्रतीक है बच्चों, और ये क्या बच्चों इसका शब्द है। अगर हमने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या लिखेंगे बच्चों आप सब, कार्बन डाइऑक्साइड, और वैसे क्या लिखेंगे बच्चों CO2, ये लिखेंगे आप सब क्या लिखेंगे CO2। अच्छा ये बताइए बच्चों कि यहां आपने CO2 लिख दिया तो ये क्या है, इसका सूत्र है और ये क्या है बच्चों इसका शब्द है, तो ये क्या लिखा है बच्चों शब्द। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को दो तरीके से लिखते हैं, एक शब्द के द्वारा, और शब्द के द्वारा अगर समीकरण लिखेंगे तो हम क्या होगा शब्द समीकरण, और एक बच्चों ये उनके हम सूत्र के द्वारा या प्रतीक के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे सूत्र समीकरण। तो आ जाइए, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो बच्चों दो प्रकार के कौन कौन, एक आपका है शब्द समीकरण और एक क्या बच्चों आपका सूत्र समीकरण। अब शब्द समीकरण क्या बच्चों और सूत्र समीकरण क्या है और इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो शब्द समीकरण बच्चों शब्द समीकरण क्या है बच्चों, वह समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं मेनली। तो अभिकारक को भी हम शब्द के द्वारा लिख दें और उत्पाद को भी किसके द्वारा लिख दें, शब्द के द्वारा लिख दें, तो उसे हम क्या कहेंगे शब्द समीकरण। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद को उनके शब्दों द्वारा लिखा जाता है, तो उसे
शब्द समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? शब्द समीकरण हम कहते हैं। और शब्द समीकरण बच्चों जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या लिखेंगे आपका? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये क्या बच्चों? आपका शब्द समीकरण है। और अगला क्या बच्चों? आपका सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण फॉर्मूला इक्वेशन। तो ये क्या बच्चों? अगर इसी को हम इसके प्रतीक और सूत्र द्वारा लिख दे बच्चों तो इसे हम क्या कहेंगे? सूत्र समीकरण कहेंगे। तो क्या बच्चों? वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद को उनके सूत्रों द्वारा उनके सूत्रों द्वारा लिखा जाता है तो उसे उनके सूत्रों द्वारा, या बच्चों एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दिया, उनके सूत्र या प्रतीक लिख दिया बच्चों, उनके सूत्र व प्रतीक द्वारा लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है बच्चों। तो हमने लिखा कार्बन और प्लस बच्चों ऑक्सीजन, क्या बनाया बच्चों आपका? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये क्या बच्चों? आपका शब्द समीकरण है। और ये क्या बच्चों? आपका सूत्र समीकरण है। अगर बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है बच्चों और यहाँ पर भी क्या है? एक कार्बन है। और ऑक्सीजन बच्चों कितना है? दो है। और यहाँ ऑक्सीजन क्या बच्चों? दो है। मतलब अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्वों की संख्या बच्चों क्या बताइए? समान है। यदि अभिकारक में और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान हो तो उसको हम कहते हैं बच्चों क्या? संतुलित समीकरण। और यही क्या हो? असमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। यदि अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान हो तो कहेंगे संतुलित समीकरण, और यदि असमान हो तो क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। तो आ जाइए, अब देखेंगे कि आपका संतुलित समीकरण एवं असंतुलित समीकरण क्या होता है। क्या बच्चों? संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। हमने क्या बताया संतुलित के संबंध में? संतुलित समीकरण। तो इसमें क्या बच्चों? इसमें क्या लिखा बच्चों? वह समीकरण जिसमें वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में तत्वों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 क्या नाम है आपका? CO2। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? दो। यहाँ पे कार्बन कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है बच्चों? दो।
अब बच्चों बात करेंगे आपका असंतुलित समीकरण बच्चों क्या असंतुलित समीकरण ये क्या था बच्चों वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में तत्वों की संख्या असमान होती है तत्वों की संख्या तो बच्चों असमान होती है उसे हम क्या कहेंगे असंतुलित समीकरण कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों आपका उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम आपको एग्जांपल एक लिख रहे हैं जैसे सी प्लस ओ टू क्या बना रहा है आपका सी ओ टू क्या बना रहा है बच्चों आपका सी ओ टू बना रहा है तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि जो आपका कार्बन है एक है ऑक्सीजन बच्चों क्या है दो है और बन रहा है बच्चों एक और दो एक कार्बन उत्पाद में भी है एक कार्बन एक दो ऑक्सीजन क्या है उत्पाद में भी है अगर यहाँ बच्चों हमने दो कर दिया तो बताइए यहाँ कितने कार्बन है दो कितने ऑक्सीजन है दो और यही चीज बच्चों यहाँ आप देखिए यहाँ कितने कार्बन है एक कितने ऑक्सीजन है दो तो क्या इसमें तत्वों की संख्या बच्चों समान है यहाँ पे दो दो यहाँ पे एक दो यहाँ पे तत्वों की संख्या क्या बच्चों असमान है तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे अब बच्चों आप ध्यान दीजिए कि अब ये जो समीकरण है असंतुलित है तो इसको क्लास टेंथ के लेवल में क्लास टेंथ के सिलेबस के अनुसार एक विधि द्वारा संतुलित कहते हैं जिसको हम जांच त्रुटि एवं जांच विधि कहते हैं बच्चों त्रुटि एवं जांच विधि कहते हैं तो ठीक है बच्चों इसके आगे हम कल का लेक्चर आपका कंटिन्यू करेंगे आई होप यह वीडियो बच्चों आपको पसंद आई हो इसको आप लाइक कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत